एवरीवन, वेलकम टू द मदर शेडो क्लासेस बाय डॉक्टर प्रतीक्षा तोमर. सो टुडे वी विल स्टडी एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स. So here, Mother Shadow bringing free NCERT classes. These classes are bilingual classes from 6 to 12. Let us learn from the top educators of all over India. Already started some subjects like science, economics and English, and other subjects also coming soon. You will learn all the subject on this platform. You will easily solve their queries and doubts. Welcome once again. Now I am Dr. Pratiksha, having experience of 3 years taking science and CRT classes. Here is my telegram link. You can join there. If you have any doubt and queries, you can direct message there. इस चैप्टर की स्टडी शुरू करने से पहले आपने अगर पहले के चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं. उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स. जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम अपने इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में होती है. अब ये तो सभी जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. अब ये प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स में कैसे होती है ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. अभी तक हम स्टडी करते आ रहे थे कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड, वाटर, ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए वेरियस पार्ट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है. ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. इसमें कुछ सब्सटेंस आपकी बॉडी में या तो एब्जॉर्ब्ड हो रहे होते हैं या बन रहे होते हैं या उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में. ट्रांसपोर्ट इज ए लाइव प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरीड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी. अब ये तो ट्रांसपोर्ट का काम करता कौन है, मतलब हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट का काम किसके जरिए से होता है. ये काम करता है हमारा ब्लड. ब्लड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है. ब्लड डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, वाटर, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्ट एक्सेट्रा सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाता है. ब्लड टिश्यू इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस. डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, वाटर, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा सब्सटेंस आर द ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड. नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, अब इसकी जरूरत क्यों होती है. Cells perform various metabolical function. Every cell's organism need nutrition and water and oxygen for carrying out the various function. When our cells perform their function, certain waste product and are released. There are the toxin and hence need to be removed from the body. Hence transport of substance is needed to supply required substance and remove waste product. जिस तरह हम एक मकान बनाने की शुरुआत किससे करते हैं, ब्रिक से करते हैं. हम बहुत सारी ब्रिक्स को जोड़कर एक वॉल तैयार करते हैं और यही वॉल बाद में क्या करती है, मिलकर बहुत सारी वॉल्स कंप्लीट होती हैं और फिर पूरे के पूरा एक मकान तैयार हो जाता है. उसी तरह कुछ ये ऐसी ही प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है. बॉडी में जो मौजूद सेल्स होते हैं ये हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. मतलब एक आध सेल नहीं होता, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. ये सेल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. इसलिए हर एक सेल्स को जरूरत होती है किस चीज़ की, न्यूट्रिशन की, वाटर की, ऑक्सीजन की, कि ये सभी फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए और हर एक सेल्स तक न्यूट्रिशन और वाटर को, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है,
हमारा ब्लड। जब ये फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं तब उसमें से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं और हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिन होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो इनको हमारी बॉडी से क्या करना ज़रूरी होता है, रिमूव होना ज़रूरी होता है। तो अब ये हम हर तरीके से ब्लड हमारी हेल्प करता है। ब्लड क्या करता है, ब्लड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सेल से लेता है, कलेक्ट करता है और फिर ऐसी बॉडी पार्ट्स पर ले जाकर देता है, वापस ट्रांसपोर्ट कर देता है जहाँ पर उसे रिमूव करना पॉसिबल हो, मतलब वहाँ से रिमूव किया जा सके। जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है, हम अपने लास्ट चैप्टर में भी इस बारे में स्टडी कर चुके हैं। जो बॉडी सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को जो वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस होती है, ब्लड उसे हर एक सेल से कलेक्ट कर उसे ले जाता है कहाँ पर, लंग्स तक ले जाता है और उसके बाद हमारे नोज के थ्रू वो एयर एक्सहेल हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है। डाइजेशन प्रोसेस में भी यही होता है। डाइजेशन फूड इज द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड टू इज रिमूव बाय द बॉडी बाय प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर टू एवरी सेल ऑफ बॉडी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स फॉर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। मेनली ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, हमारी बॉडी में काम करता है। पहला क्या होता है, पहला ये जरूरी होता है कि हमारी ही बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जिन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें ब्लड क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है, सारे जो सेल्स होते हैं उन तक जो रिक्वायर सब्सटेंस होते हैं उन्हें पहुंचाता है। और दूसरा क्या काम करता है, दूसरा काम ये करता है कि जब वो सेल्स वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं और तो उनको क्या करता है, उनको कलेक्ट करता है और रिमूव करने में हेल्प करता है। ब्लड के ही थ्रू, यानी हम ये कह सकते हैं ब्लड ही हमारा एक तरह से डिलीवरी बॉय भी है और हमारा गार्बेज बॉय भी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस वर्कआउट करता है। ठीक है, तो जो आपको ट्रांसपोर्टेशन और की नीड को क्लियर हो गया होगा, अब हम आगे बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ मेड ऑफ द ब्लड वसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द टुवर्ड द हार्ट। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या है, जैसे कि डाइजेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए प्रोसेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, वैसे ही सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम ज़रूरी होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं उसके तीन बेसिक थ्री जो कंपाउंड्स होते हैं वो थ्री होते हैं, ये इसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एक होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल और थर्ड होता है हार्ट। ब्लड क्या करता है, डिलीवरी बॉय और गार्बेज बॉय का काम करता है। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर पाइपलाइन की तरह पूरे शरीर में फैले होते हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। और हार्ट क्या काम करता है, हार्ट काम करता है एज ए पंप, यानी कि ब्लड को पुश आउट करता है जिससे कि वो आगे जा सके। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड इज ए रेड कलर फ्लूड विच फ्लो इज अवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल। ब्लड क्या होता है, ब्लड रेड कलर का फ्लूड यानी कि लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ब्लड वेसल में बहता है, मतलब जो ब्लड वेसल होती हैं उनमें हमारा जो ब्लड है वो बहता है, फ्लोट करता है। अब आप कह सकेंगे कि ब्लड वेसल भी हमारे अंदर की क्या है, पाइपलाइन है, जिसके थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में सभी पार्ट्स में फ्लो करता है। कंपाउंड्स ऑफ ब्लड, आवर बॉडी इज अ मेड ऑफ ए लिक्विड एंड सॉलिड। हमारी बॉडी जो दो तरीके के ब्लड से बनी होती है, एक लिक्विड एक सॉलिड, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा जो होता है ये फ्लूड लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, इसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। सेल्स द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द योर बॉडी कंटेंट, इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेट्स।
ठीक है, ये तीन तरह के सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अलावा, जो क्या होते हैं, एक तरह से सेमी लिक्विड का काम करते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है जिससे ब्लड फ्लो करता है। इसका जो येलो कलर का लिक्विड होता है, मतलब ये जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो भी कुछ सॉलिड होते हैं वो कुछ और कुछ होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो रेड होते हैं, कुछ होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो कि वाइट होते हैं, और कुछ होती हैं प्लेट्स। प्लाज्मा हमारे इसमें कितना मौजूद होता है, 55%, 45% रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेट्स बहुत कम होते हैं, लेस देन 1%। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्लड के कंपोनेंट्स की। तो प्लाज्मा जो होता है, ये फ्लूड लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लेन येलो कलर ब्लड सेल्स कीप फ्लोटिंग इन प्लाज्मा। प्लाज्मा इज मेड ऑफ वाटर 92% एंड सॉलिड एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये इसका कलर जो होता है कैसा होता है, वो येलो कलर का होता है, जो हमारे ब्लड में फ्लो करता रहता है। और इसमें प्लाज्मा में क्या क्या इंक्लूड होता है, 92% तो इसमें सिर्फ वाटर होता है, और वाटर के अलावा इसमें क्या होता है, सॉल्ट और प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद आता है बारी रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी की। रेड ब्लड सेल्स आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड क्यों होते हैं, वो रेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर रेड पिगमेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन मेक बोथ अपियर रेड। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी पार्ट। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन को लंग्स तक, लंग्स से लेके डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी पार्ट में पहुंचाते हैं। मतलब ऑक्सीजन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन आरबीसी सॉरी क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, और ये कहां ले जाती है, लंग्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड ब्लाइंड विद ऑक्सीजन एंड द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स ब्लड में ऑक्सीजन को बाइंड करके रख पाते हैं। यानी जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन के जैसे अभी मैंने बताया कि रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो इनको इनके साथ बाइंड करके रखता है, जोड़े रखता है, ताकि जहाँ जहाँ ये ब्लड फ्लो करेगा वहाँ वहाँ ये ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, यानी कि लंग्स से लेके ऑल बॉडी पार्ट्स तक। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मेनी एंटर अवर बॉडी, दस द WBC प्रोटेक्ट फ्रॉम अस फ्रॉम डिसीजेज। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, और इनकी परसेंटेज भी बहुत कम होता है हमारी बॉडी में, लेकिन इनका जो काम होता है वो क्या होता है, इनका काम होता है ये हमारी बॉडी को डिफरेंट डिसीज से बचा कर रखते हैं। जो जर्म्स हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं बाहर से, उनको ये हमारे शरीर में मतलब उनके अगेंस्ट ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह के हमारे शरीर का एक फाइटर हो गए। इसके बाद आता है बारी प्लेट्स की। प्लेट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट। इट मेक द फ्लो ब्लड सेमी सॉलिड ब्लड क्लॉट प्रिवेंट दिस ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द एन इंजरी। अब जो प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड में जो इम्पैक्ट रोल होता है, यानी कि जो ब्लड्स होती हैं वो काम करती हैं क्लॉट बनाने का। यानी कि एक तरह से जब हम, जैसे मान लीजिए हमको कोई इंजरी हो गई या कहीं कट लग गया या कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी चोट लग गई जिसमें हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो क्या करती है प्लेट्स तुरंत उस जगह ब्लड क्लॉट बना देती है, यानी वहाँ उसको सुखाने का काम कर देती है, जिससे कि ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो सके, ठीक है, हमें ज़्यादा हमारे ब्लड लॉस ना हो, जिस अगर क्योंकि हमारे अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा, हम इसके कारण डेथ भी हो सकती है। तो क्या करती है प्लेट्स करती है क्लॉटिंग जमाने का काम करती है ब्लड में, ठीक है, जिससे क्या हो, ब्लड का लॉस कम से कम हो सके। अगर ब्लड नहीं जो प्लेट्स हैं वो अगर ब्लड में मौजूद नहीं होंगी तो हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारी बॉडी को, और ये कैसे हमारा ब्लड जो है वो सेमी सॉलिड नहीं बन पाएगा।
वैसे तो ये आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ब्लड हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, बट फिर भी हम लेट्स रिवाइज करते हैं इस चीज को. फंक्शन ऑफ ब्लड, इट्स ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट डाइजेशन फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. इट्स कैरी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी. इट कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन फ्रॉम द डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी टू लंग्स. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटीरियल टू द किडनी फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. ब्लड प्रोडक्ट बॉडी फ्रॉम डिसीजेज. ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, ब्लड वेसल्स की. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाइप थ्रो विच द ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी. अब जो मैंने अभी आपको बताया था ब्लड वेसल की किस तरह से काम करती है, ब्लड वेसल एक लाइक पाइप काम करती है, यानी इसमें जो ट्यूब की तरह काम करती हैं जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेट हो सके. अब इनका भी थ्री टाइप्स की होती हैं, एक आर्टरीज होती हैं, एक वेन्स होती है, कैपिलरी होती हैं. इन तीन टाइप्स में हम जो ब्लड है वो हमारा ब्लड जो फ्लो होता है, यानी ये तीन टाइप्स में डिवाइड होता है. अब इसमें होता क्या है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टरीज. आर्टरीज कैरी करती हैं ब्लड में जो रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हार्ट से ले जाकर ऑल बॉडी पार्ट्स में ले जाती हैं. ठीक है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल बॉडी पार्ट्स. आर्टरीज लाई डीप अंडर आवर स्किन एंड हैंस कैन नॉट बी सीन इजीली. ये इतनी ज्यादा अंदर हमारे डीप होती हैं शरीर के स्किन के कि हमको ये इजीली दिखाई नहीं दे सकती. सिंस ब्लड फ्लो इन द रैपिड एंड एट हाई प्रेशर एंड द आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक वॉल. अब जो आर्टरीज होती हैं ये क्या होती हैं, इनके अंदर हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, जो ऑक्सीजन होती है वो हाई प्रेशर में फ्लो करती है. तो इसके साथ इस कारण क्या होता है, इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक और इलास्टिक होती है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है. नेक्स्ट वेंस. वेंस आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. Veins are the less deep than the arteries and can be easily seen. जो veins होती हैं वो क्या करती हैं? अब जो arteries थी वो oxygen carry कर रही थी और जो veins है वो क्या carry करती हैं? वो carbon dioxide को carry करती हैं और ये all body parts से carry करके back to heart ले जाती हैं. और veins क्या होता है? इनको हम इजीली अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो हमें नसें अपनी दिखाई देती हैं ग्रीन और ब्लू कलर की, जैसे कलाइयों पर फिंगर्स पर हमको जो ग्रीन और ब्लू कलर की जो नसें वेंस दिखाई देती हैं ये हमें इजीली दिखाई दे जाती हैं. वेंस हैव अ थिन वॉल ब्लड फ्लो थ्रू दैम एट द लो प्रेशर. अब इसमें क्या होता है, इसकी जो वॉल्स होती है वो काफ़ी थिन होती है. क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर कम होता है. देयर आर द वेंस प्रेजेंट इन द वेंस विच अलाउ ब्लड फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट प्रिवेंट बैक. जो वेंस हैं वो वॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये इसलिए होते हैं ताकि जो ब्लड के ऑल बॉडी पार्ट्स और हार्ट्स तक सीधे जा सके, यानी कि पीछे को वापस ना लौट सके. ठीक है, ये वेस्ट को कैरी करती हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको सेल से लेकर हार्ट तक ले जाती हैं. उसके बाद बात करते हैं कैपिलरी. कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी इज अ वेरी टीनी ब्लड वेसल. ये काफ़ी बहुत छोटी होती हैं, काफ़ी छोटी वेसल्स होती हैं, कनेक्ट द आर्टरीज एंड द वेंस. जो ये किससे कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेंस से. जो कनेक्ट करती है वो होती है कैपिलरी. और इसकी जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, वेरी थिन वॉल. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैपिलरी इज द एक्सचेंज मटीरियल बिटवीन इन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स. अब इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, यानी कि एक जगह से लेके दूसरी जगह, यानी आर्टरीज और वेंस से ये प्रोडक्ट को, जो सब्सटेंस होता है उनको एक्सचेंज करती हैं. ठीक है,
ये यहाँ पर ऑक्सीजन को सेल्स में दे देती हैं और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर यही मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। मैंने बताया ना आर्टरीज और वेंस आपस में ये इसी के थ्रू कैपिलरी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को जो सब्सटेंस है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उनको एक्सचेंज करती हैं, ठीक है, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में। अब ये अभी हमने जो भी स्टडी किया वो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब इसमें एक अपवाद भी है, मतलब एक एक्सपेंशन भी है। क्या है वो? वो ये है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन विच ब्लड पुट प्ल्यूमरी या आर्टरीज कैन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। अब क्या होता है, और दूसरी है वेंस कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बट प्राइमरी ही वेंस कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। अभी हमने पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और जो वेंस होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं, लेकिन अब यहाँ पर मैंने बताया कि एक है एक्सपेंशन, वो क्या है, वो ये है कि इसमें एक दोनों में एक एक ऐसी सेल्स मतलब एक एक और ऐसी आर्टरीज होती हैं जिसे प्ल्यूमरी आर्टरीज और प्ल्यूमरी वेंस कहते हैं, जो जस्ट अपोजिट काम करती हैं। वो क्या करती हैं कि लंग से हार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड जो पहुंचता है उसे लेकर प्ल्यूमरी वेंस और हार्ट से जो से सेल्स तक आर्टरीज को लेकर जाती हैं, वैसे ही सेल से हार्ट तक जो कार्बन डाइऑक्साइड आई होती है उसे लेकर वेंस तक, बट जो हार्ट से लंग्स तक लेकर जाती हैं वो प्ल्यूमरी आर्टरीज, यही एक एक्सपेंशन है वो, वरना ये क्या होता है, हमेशा आर्टरीज क्या करती है ऑक्सीजन कैरी करती है और वेंस क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड करती है, यानी कि जो लंग्स से लेकर जो हार्ट तक आ रही है वो क्या करती है, वो रिच ऑक्सीजन को करती है, और जो वापस से हार्ट से लेकर लंग्स तक जा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट की। द हार्ट इज एन ऑर्गेन विच ए बीट्स कंटिन्यूसली। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, इट्स लोअर टिप साइलेंटली रिट्रीटली टूवर्ड द लेफ्ट एंड एक्ट ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड विच कैरी ही देयर सब्सटेंस विद इन। अब जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, हार्ट हमारा हमेशा बीट करता रहता है, ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड होता है, चेस्ट कैविटी के पास लोकेटेड होता है। इसकी जो इसका जो लोअर एंड है वो थोड़ा झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड को, ये हमेशा पंप की तरह काम करता है, ठीक है। मैंने जब बताया था ना अभी कि हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट काम करता है एज ए पंप, ये ब्लड को धक्का कर मारता है यानी पुश करता है कि ब्लड मतलब ब्लड जहां जहां घूमेगा वहां सब्सटेंस को कैरी करके घूमता है, ठीक है। तो क्या करता है ब्लड, जब जो हार्ट होता है वो ब्लड को पुश करता है तो इससे ब्लड आगे की तरफ जाता है, यानी कि वो पीछे की वापस नहीं आता, वो आगे की तरफ फ्लो होता जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें चार चैम्बर्स होते हैं, दो अपर होते हैं जिसे एट्रियम कहते हैं और दो नीचे होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। हार्ट हैज अ फोर चैम्बर, टू अपर चैम्बर आर कॉल्ड द आर्ट्रिया एंड द सिंगुलर आर्टेरियम्स एंड टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रियल। जो फर्स्ट होता है मतलब जो इसमें चैम्बर्स होते हैं वो लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वर्टिकल एंड द राइट वर्टिकल। The partition between the chamber help to the avoid mixing of the blood rich is oxygen with the blood rich is carbon dioxide. अब जो जो ये जो पार्ट्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये जो चैम्बर्स में क्या होता है, इनमें एक तरह का पार्टीशन डाला होता है, जैसे कि हमारे घरों में एक रूम से दूसरे रूम के बीच एक दीवार बनी होती है, हम उस रूम में जाने के लिए सीधे क्या करते हैं, डोर का यूज करते हैं, हम दीवार की वजह से एक दूसरे रूम में नहीं जा पाते, तो उसका यूज क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट अगर हमको जाना है तो कहाँ से जाएंगे हम, डोर के थ्रू जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी ये जो चैम्बर होते हैं, जो ये पार्ट्स हैं इनमें चैम्बर्स में एक तरह की ऐसी वॉल होती है जिससे एक दूसरे में ये चीजें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये आपस में जो ब्लड एक्सचेंज हो रहा है ये मिक्सअप नहीं होता, ठीक है।
तो इसकी वजह से ये मिक्स नहीं होता। वेंस कैरी करती हैं क्या? वेस्ट मटेरियल और को ले जाकर आएंगी, और हमारे हार्ट में अंदर से सुपीरियर वेन केवा होती है। जो वेंस क्या करती हैं? वेंस कैरी करती हैं हमारे वेस्ट मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये क्या करेंगी? हमारे हार्ट के अंदर लेके जाएंगी। कहाँ पर? सुपीरियर वेरा केवा के पास। वहां पर क्या होगा? इंफीरियर वेना केवा हो के जरिए ये सबसे पहले लेकर आती हैं, और राइट एट्रियम में जहाँ पर हमारा जहाँ CO2 हमारा पहुंच चुका है, यहाँ से ये ब्लड को ले जाएंगी। कहाँ पर ले जाएंगी? राइट वर्टिकल में, और यहाँ से ये प्लूमरा क्यूट्राइज में ये होता हुआ चला जाएगा कहाँ पर? लंग्स पर। अब लंग्स क्या करेगा? लंग्स करेगा जो ऑक्सीजन आएगी उसे प्लूमरी वेंस के थ्रू ये यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में ले जाएंगी, और इसके बाद ये जाएगा लेफ्ट वर्टिकल में। यहाँ से ये एट्रो से होता हुआ चला जाएगा हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेल्स एंटर द राइट एट्रियम। फ्रॉम द राइट एट्रियम इन देन द ट्रांसफर टू द राइट वर्टिकल। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन देन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द राइट वर्टिकल टू लंग्स बाय द प्लूमेरा एंट्री। द ब्लड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। प्लूमेरा वेंस ब्रिंग ऑक्साइड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इन द ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्री। ऑक्साइड ब्लड इज द ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द वेंट्री कॉल्ड द एट्रोआ, ठीक है। नेक्स्ट होता है, हम बात करेंगे हार्ट बीट की। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर द मेड अप ऑफ अ मसल्स। जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो मसल से बने होते हैं। द मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स थिंकली, यानी कि मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। दिस रिदम एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द हार्ट बीट। अब हमारा हार्ट जो एक रिदम में धड़कता है, धक धक, जैसे आपने कभी गौर किया हो, धक धक ऐसे करके जो रिदम सी आती है, ये क्या, इसी को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट, इसी को क्या कहेंगे हम? हार्ट बीट कहते हैं। ये हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 60 to 100 पर मिनट होती है। जब तक इंसान जीवित होता है तब तक ये कंटिन्यूअस बीट करता रहता है। हार्ट बीट कंटिन्यूस एवरी मूवमेंट ऑफ अवर लाइफ। इफ यू प्लेस योर हार्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। यानी कि आप अपनी इस हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप लेफ्ट साइड में अपने हैंड को रखें और कुछ देर तक उसको ध्यान से एब्जॉर्ब, मतलब ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? आप उस चीज को फील कर पाएंगे कि आपका हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है। द डॉक्टर फी और फिर उसके जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? वो डॉक्टर होते हैं वो करते हैं स्टेथोस्कोप के जरिए, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप के जरिए कैसे करते हैं? द डॉक्टर फील अवर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। ये वो हमारी जो हार्ट बीट है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप, इस जिसके जरिए से हार्ट बीट को चेक करते हैं कि आपका हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ए डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस टू द एम्पलीफाइंग एंड साउंड ऑफ द हार्ट। इट्स अ कॉन्स्टेंट ऑफ द चेस्ट पीस द कैरी सेंसिटिव टू ईयर्स पीस एंड ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट। डॉक्टर कैन द क्यू अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू ए स्टेथोस्कोप। अब ये इसमें होता क्या है, जो इसके कॉर्नर में दो जो साइड होते हैं जो पीस होते हैं उनको क्या कहते हैं? ड्राइव फ्रेम कहते हैं। और जो इसमें एक पाइप सा जाता है, ट्यूब सा जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसको ट्यूब ज्वाइनिंग कहते हैं, मतलब ट्यूब ट्यूब से जो ज्वाइंट होता है। तो और जिस जो हमारे चेस्ट पे लगाया जाता है उसे चेस्ट पाइस कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे डॉक्टर्स हमारी हार्ट बीट को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे हार्ट की कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट होती है पल्स। प्लेस द मिडल एंड द इंडेक्स फिंगर ऑफ योर हैंड ऑन द इनर साइड एंड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट। आप क्या करें, आप अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर को अपने राइट हैंड की इनर साइड पर रखिए और रिस्ट पर लेफ्ट साइड की,
और उसको कुछ देर तक आप फील कीजिए, ठीक है। आप फील करेंगे तो क्या पाएंगे कि उसमें बीट हो रही है। अब ये बीट क्या है, ये बीट ही पल्स रेट है, यानी कि दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड अ पल्स, इट इज ड्यू टू दी ब्लड फ्लोइंग इन दी आर्ट्रिया, यानी कि जो आपके आर्ट्रियाज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो एक पर मिनट पर जो बीट आ रही है वो पल्स रेट होती है आपकी, ठीक है। द नंबर ऑफ द बीट्स पर मिनट इज द पल्स रेट। द रेटिंग पर्सन यूजुअली इज अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स फॉर पर मिनट, यानी कि जो एक हेल्थी पर्सन अगर रेस्ट पोजीशन में होगा तो उसकी जो पल्स रेट होगी पर मिनट में वो 72 और 280 ही बीट्स होगी। ईच हार्ट बीट जनरेटेड वन पल्स इन द कैरिड एंड अदर पल्स रेट पर मिनट इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द हार्ट बीट। आपकी जो पल्स रेट है वो आपकी हार्ट बीट के इक्वल ही होगी, मतलब जैसा आपका हार्ट बीट हो रहा होगा जो रेटिंग होगी वही आपकी पल्स रेटिंग भी होगी। अब क्या सारे एनिमल्स में ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब ये ह्यूमन बींग्स में तो होता है, ये हमने अभी पढ़ लिया, लेकिन अब जो एनिमल्स हैं उनमें भी होता है क्या? तो अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। नो एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्ज नॉट अ प्रेशर इन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हाइड्रा और स्पॉन्जी होते हैं ये इनमें ये सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता? दीज एनिमल लिव इन वाटर एंड हैंस द फूड एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एज इट एंटर्ड अवर बॉडीज। एज द वाटर कम आउट देयर बॉडीज इट टेक अवे द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट मटीरियल आउट ऑफ इट। अब होता क्या है कि ये पानी में ही लाइफ करते हैं, पानी में ही रहते हैं हमेशा, तो जो अपना खाना है वो वाटर को के जरिए ही अपना फूड और ऑक्सीजन इनको मिल जाता है। तो जब ये वाटर इनके शरीर से बाहर आता है तो उसी के साथ जो इनके शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उस वाटर के साथ ही बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन इन एनिमल। व्हेन अवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस अटेंड वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज्ड, दीज आर द टॉक्सिन एंड हेंस नीड टू द रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। जब हमारी बॉडी के सेल्स परफॉर्म करते हैं तब वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, रिलीज होता है, जो कि हमारी बॉडी के अकेले क्या होता है, हार्मफुल होता है, टॉक्सिन होता है, पॉइजनस होता है। तो इसको क्या जरूरी होता है, इसका हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जिस प्रोसेस से हमारे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रिमूव होते हैं फ्रॉम द सेल्स, इन्हें क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। द पार्ट्स एंड द ऑर्गन इन्वॉल्व द एक्सक्रिएशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो क्या ये जो जो डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन का इस प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि जो सभी जो ऑर्गन्स और पार्ट से मिलकर ये मतलब प्रोसेस कंप्लीट होती है उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे इजेशन और एक्सक्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें डिफरेंस होता है द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग एजेशन, यानी कि जो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जब बॉडी से रिमूव होता है तो क्या कहते हैं इसे, इंजेशन कहते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ द रिमूव्ड ऑफ द टॉक्सिन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यू द सेलुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड द क्रिएशन। जो लेकिन जो हमारे सेल के जो टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जब वो रिमूव होते हैं तो इसे कहते हैं एक्सक्रिएशन, ठीक है। अब इनमें होते कौन कौन से होते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है यूरिया, तीसरा होता है स्वीटिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिमूव ड्यूरिंग द एक्सहेल बाय अवर लंग्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव्ड होती है, हमारे लंग्स के द्वारा होती है। यूरिया एक्सेस वाटर अनवांटेड सॉल्ट रिमूव फ्रॉम द बाय बॉडी बाय किडनी थ्रू यूरिन। और जो यूरिया एक्सेस वाटर और अनवांटेड सॉल्ट सॉल्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर बाहर आ जाता है। स्वीटिंग थ्रो स्किन ऑल्सो हेल्प द रिमूव एक्सेन वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अवर बॉडी। जो पसीना है हमारा वो क्या किसके थ्रू बाहर आता है, वो हमारी स्किन के थ्रू आता है,
ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लंग्स, किडनी, स्किन, ये सभी क्या है, एक्सक्रीटा ऑर्गेन है। ठीक है, एक्सक्रीटा सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, लंग्स, किडनी, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर, ये सभी हमारे क्या है, एक्सक्रीटा ऑर्गेन है। अब नेक्स्ट है यूरिन सिस्टम। मेल मेनली एक्सटर्नली प्रोडक्ट इज द ह्यूमन बींग इज यूरिया। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं ऑर्गेन कौन से हमारे शरीर में, इसमें होती है दो किडनी होती हैं, दो यूटर होती हैं, दो यूरियन ब्लैडर होता है और यूट्रेना होता है। तो अब हम पहले बात करेंगे यूरियन सिस्टम इन द ह्यूमन। द वेस्ट विच इज द प्रेजेंट इन ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी कॉन्स्टेंटली पास थ्रू अवर किडनी। वेन द ब्लड रीच टू किडनी इन सर्टेन बोथ यूजली एंड द हार्मफुल सब्सटेंस फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इज डन बाय ए ब्लड कैपिलरी इन द किडनी। द यूजफुल सब्सटेंस आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बैक इन टू द ब्लड। द वेस्ट डिजॉल्व इन वॉटर एंड रिमूव्ड आर द यूरिया फ्रॉम द किडनी एंड द यूरिन गोज इन टू द वेटनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक वेट्रेट। इट इज स्टोर्ड एंड द पास आउट थ्रू द वेटनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द यूथ्रिया। हमारे ब्लड में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे हमें बाहर निकालना जरूरी होता है। तो हमारा ब्लड क्या कॉन्स्टेंटली क्या करता है, जो किडनी से पास थ्रो कर, जब पास थ्रो होता है तब क्या हो, हमारी बॉडी में जो दो किडनियाँ मौजूद होती हैं ये क्या करती हैं, ये यूजफुल और हार्मफुल दोनों तरह के सब्सटेंस को होते हैं इसके अंदर। तो ये क्या करती हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। काम करती हैं किसका, फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का। अब फिल्ट्रेशन के जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो दोबारा क्या हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट होते हैं और टॉक्सिन प्रोडक्ट होते हैं उसे किडनी क्या करती है, वाटर के साथ डिजॉल्व कर देती है और बना देती है यूरिन। जो हमारे वाटर हम मतलब पीते, जो हम पानी पीते हैं जितना हमें ज़रूरी होता है वो तो हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और जो वेस्ट हुआ वो क्या हुआ, वो यूरिन में कन्वर्ट हो गया, और यूरिन में कन्वर्ट होने के बाद ये यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा। किडनी इससे जो रिमूव वाटर होगा वो वर्टेन ट्यूब के जरिए पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैंडर में। यहाँ से ये स्टोर रहता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैंडर में क्या होता है, यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। और जब तक आप, कब तक स्टोर रहता है, जब तक कि आप वॉशरूम जाके इसको यूरिन को पास आउट नहीं कर देते, थ्रू आउट नहीं कर देते, ठीक है। तो फिर यूथ्रा से थ्रू होकर यानी यूरिनरी ओपनिंग के जरिए ये बाहर आ जाता है, ठीक है। अब फंक्शंस की बात करते किडनी का क्या फंक्शन होता है, किडनी मेक अ वाइन बाय द फिल्टरिंग वेस्ट एंड द एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द ब्लड। और यूट्रस का क्या हुआ, यूट्रेन का हुआ ट्यूब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट द कंटेन किडनी एंड द यूरिनरी ब्लड टुगेदर। और यूरिनरी ब्लड का क्या हुआ, ब्लैडर का क्या हुआ, यूरिनरी ब्लड प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लड। यूथ्रा का क्या हुआ, यूरिन पास आउट थ्रू इट, ठीक है। तो क्या हुआ, यूरिन एक्सेस वाटर को साथ में क्या होता है, एक्सेस वाटर का और वेस्ट साथ में निकल जाता है। एन एडल्ट बींग नॉर्मली पास अबाउट 1 to 1.8 लीटर टू यूरिन इन अ 24 आवर, यानी कि एक एडल्ट व्यक्ति नॉर्मली 1 से लेकर 1.8 लीटर यूरिन को 24 घंटे के अंदर पास आउट करता है। द मेजर एक्सटेंटली प्रोडक्ट इज द ह्यूमन इज यूरिया, यानी कि ये जो यूरिया है ये हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे मेजर एक्सक्रिएटा प्रोडक्ट है। यूरिन कंस्टेंट ऑफ द टॉक्सिन वेस्ट कितना होता है, 2.5%, यूरिया भी 2.5%, और सबसे ज्यादा क्या होता है, 95% होता है वाटर, ठीक है। तो अब ये सारी प्रोसेस तो आप समझ गए, अब हम बात करेंगे डायलिसिस की। डायलिसिस क्या होता है, समटाइम अ पर्सन किडनी में द स्टॉप वर्किंग ड्यू द इन्फेक्शन ऑफ इंजरीज। अब कई बार किसी कारण से हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है, कई बार किसी इन्फेक्शन की वजह से, कई बार किसी इंजरी की वजह से, ठीक है। तो अब ये काम करना बंद कर देती है तो फिर क्या होगा, फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। एज द रिजल्ट किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड एक्यूमुलेटरी
इन द ब्लड। अब क्या होगा, जो हमारे जब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये हमारे ब्लड में जमा होने लगेगा। सच अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर द बॉडी इज अनफिल्टर्ड प्लेटोररी थ्रो ऑन द सर्टिफाइड किडनी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, जिसके कारण जितना भी जो वेस्ट होगा वो कहाँ जमा हो जाएगा, ब्लड में जमा हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में उस पर्सन के लिए काफी खतरनाक हो जाएगी, जिसके साथ ये कंडीशन क्रिएट होगी, यानी कि जिसकी अगर किस जिस व्यक्ति की अगर किडनी काम नहीं कर रही होगी तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है वो एक मशीन के जरिए होती है। इसमें मशीन का हेल्प होता है जिससे ब्लड को फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियली, यानी कि अभी जो हमारा ब्लड था, हमारी किडनी थी, ये काम कर रही थी किसका, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का। बट अब जो डायलिसिस होता है ये मशीन के थ्रू आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, यानी कि इसको हमें क्या कराना पड़ता है, टाइम टू टाइम फिल्टर करवाना पड़ता है। नेक्स्ट स्वीटिंग, नेक्स्ट स्वीटिंग, वी स्वीट ए लॉट ऑफ ए हॉट समर डे, द स्वीटिंग कंटेंट द वॉटर एंड द सॉलिड। अब जो पसीना है वो आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा आता है, इसमें क्या होता है, इसमें वॉटर होता है प्लस इसमें होता है सॉल्ट। जी हाँ, ये अकेला नहीं होता, इसमें खाली पानी नहीं निकलता, पानी अकेला रिमूव नहीं होता, जो हमारे वेस्ट सॉल्ट होता है हमारे शरीर का वो भी इसके थ्रू बाहर आता है। व्हेन ए स्वीटिंग येलो पैच आर फॉर्म्ड ऑन द क्लो आवर क्लोथ स्पेशली द एरिया लाइक द अंडर आर्म। तो आपने अंडर आर्म्स की तरफ अगर गौर किया हो तो आपने देखा होगा येलो कलर के पैच पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, किस वजह से, हमारे बहुत ज्यादा पसीना आने की वजह से। दीज मेक आर लेफ्ट बाय द सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। व्हेन वी स्वेट इज आल्सो हेल्प टू द कूल अवर बॉडी। अब ये क्या होता है, जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो उसके साथ जो हमारा वेस्ट वाटर होता है और सॉल्ट होता है वो तो निकलता ही निकलता है, साथ में ये हमारी बॉडी को कूल कर देता है, यानी हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी होती है उसको ये बाहर पास आउट कर देता है और हमें हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा किस बारे में, ह्यूमंस के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस इन एनिमल, द वे इन द विच वेस्ट केमिकल आर द रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन यूरिया एक्यूटा एनिमल लाइक फिश एक्सक्रीट सेल्स वेस्ट एंड एनिमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। सम टैंड एनिमल लाइक बर्ड्स लिजर्ड स्नेक एक्सक्रीटा ए सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिन एसिड। अब क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जो वेस्ट है वो किस तरह से निकालते हैं, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है वेस्ट को जो हमारे मतलब एनिमल्स के वेस्ट को निकालने की सबकी अपनी अपनी तरीका होता है। कुछ जो वाटर में रहते हैं वो वाटर में ही अपना जो वेस्ट होता है वो वहीं वाटर के थ्रू निकाल देते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैसे निकालते हैं, हमने अभी देखा था ह्यूमंस के बारे में जब पढ़ा था, तो ह्यूमंस के इस तरह जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, उनका यूरिया होता है, जो मेजर प्रोडक्ट एक्सक्रीटा होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। और एक्यूटिक एनिमल में क्या होता है, एक्यूटिक एनिमल में एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया जो होता है वो एक्यूटिक एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये डायरेक्ट डिजोल्व हो जाता है किसमें, वाटर में ही ये अपना डिजोल्व कर देते हैं। फिर उसके बाद बात आती है बर्ड्स की, लिजार्ड की, स्नेक्स की, इनका जो एक्सक्रीटा होता है वो सेमी लिक्विड होता है, वाइट कलर का कंपाउंड होता है, जिसे क्या कहते हैं, यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस
सब्सटेंस इन प्लांट की। फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट, ये हम अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या होता है, जो प्लांट्स की जो वेस्ट निकालने की प्रोसेस होती है वो भी इसी के थ्रू होती है। वो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड द मिनरल बाय द रूट। जो वाटर और मिनरल है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स? रूट के थ्रू। रूट हैव रूट हेयर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द रूट। आपने रूट को देखा होगा, उसमें बहुत सारी और छोटी छोटी सी बाल, जैसे बाल होते हैं बिल्कुल उतनी पतली पतली और छोटी सेमी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर के अंदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं उनको ये क्या कर लेती है, छोटी छोटी जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्व कर लेती है। द रूट हेयर इज द कंटेक्ट कनेक्ट विथ द वाटर प्रेजेंट द सॉलिड पार्टिकल। अब जो रूट और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व कर लिया, अब फिर क्या होगा, अब ये वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब उनने रूट ने एब्जॉर्व कर लिया। अब इसका काम क्या हुआ, अब ये जो इसके अंदर जो रूट ने एब्जॉर्व किया है उसको कहाँ पहुंचाएगा, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाएगा। और डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता के बारे में अभी हमने पढ़ा था, वैसे ही प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। प्लांट हैव अ पाइप लाइक अ विसल ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। वेक्युलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड द न्यूट्रिएंट इन द प्लांट्स इट्स कॉल्ड द जाइलम। जाइलम इन फ्रॉम द कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ द चैनल दैट द कंटेंट रूट टू द लीफ थ्रो द स्टीम एंड द ब्रांचेस एंड द डस्ट ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटर प्लांट। अब जो रूट ने एब्जॉर्व किया, मतलब जो सोख लिया उसने वाटर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को, वो जाइलम ने उसको क्या किया, जाइलम ने उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में सप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, अब तैयार फूड को क्या हुआ, फूड तैयार हुआ। फूड तैयार होने के बाद इसका क्या होगा, फिर से ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ होगा, अब ये लीव से सप्लाई होगा ऑल प्लांट्स ऑफ पार्ट्स में, मतलब जो प्लांट्स के जो अब लीव्स में जो फूड तैयार हुआ वो कहाँ जाएगा, अब वापस जाएगा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में सप्लाई होगा। तो जो डिफरेंट लीव से लेकर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक कौन जाएगा, यह जाएगा फ्लोमा। फ्लोएम जो होता है ये डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। लीव सिंथेटिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फूड हैज दैट बी ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस इज डन बाय द वेक्युलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोमा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो जाइलम होगा वो वाटर और मिनरल को रूट से कहाँ ले जाएगा, ऑल पार्ट्स में ले जाएगा। और जो फ्लोएम होगा वो फूड मटीरियल को लीव से ऑल पार्ट्स में ले जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन। प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल्स न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इन अनयूटिलाइज्ड बाय द वाटर। जो अनयूटिलाइज्ड वाटर होता है उसको क्या करेंगे, ये उसको ये बाहर निकालेंगे। द वाटर वेपर्ड थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेटिंग एजेक्शन पुल द सम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू से सक वाटर थ्रू द स्ट्रॉ विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट्स। जिस तरह से हमारी बॉडी ने वेस्ट वाटर को क्या किया था, यूरिन के जरिए रिमूव कर दिया था, ठीक है, तो इसी तरह से प्लांट अपना वेस्ट, जो अपना वेस्ट वाटर है उसको क्या करेंगे, उसको वो रिमूव करेंगे। तो हम इसके लिए जो प्लांट्स रिमूव करेंगे वाटर उसको क्या बोलेंगे, इसी ही को ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। जो लीव्स में आपने देखा होगा छोटे छोटे से नोट्स होते हैं, डॉट्स बनी होती हैं, वो क्या होती हैं, जिनके इन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। यहीं से जो वाटर है वो वेपोरेट हो जाता है। और जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें क्या होता है, जब ये वेपोरेशन होने की प्रोसेस होती है तो एक फोर्स क्रिएट होता है।
ठीक है, तो जब एक फोर्स क्रिएट होगा यानी पानी खींचेगा, अगर हम पानी खींचता है आपने देखा होगा जैसे हमारे हार्ट में ब्लड को वो खींचता खींचने का काम करता है, वैसे ही प्लांट्स में भी ये ऊपर की तरफ पानी को खींचेगा, तो क्या होगा एक मतलब जो फोर्स है वो क्रिएट होगा यानी कि सक्शन जनरेट होगा, इसी कारण वाटर नीचे से ऊपर की ओर आएगा। ये तो होता है ट्रांसपिलेशन का पुल होने के कारण। किसके कारण होता है? ट्रांसपिलेशन के पुल होने के कारण होता है। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो क्या होता है, जो नीचे ये से जो उनका वाट जो वेस्ट वाटर होता है वो ऊपर तक कैसे पहुंचता है, इसी के जरिए पहुंचता है। और इसके कारण क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर की हीट होती है वो रिमूव हो जाती है और प्लांट्स को कूलनेस मिलती है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप डायरेक्ट मेरी टेलीग्राम लिंक पर जाकर मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं साइंस के नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।